नमस्कार दोस्तों, अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो ढोला आज बजाना सीख लीजिए। ढोला कैसे बजाते हैं, दोनों हाथों से हम ढोला आपको बजाकर दिखाएंगे और सिखाएंगे भी आप किस तरीके से बजा सकते हैं। और एक नहीं दो तीन तर्जे हम ढोला की आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखाएंगे इस वीडियो में। आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर इस वीडियो को देखेंगे आप। अगर आप क्लासिकल सीख रहे हैं, वैसे सीख रहे हैं, तो गाँव देहात में कहते हैं कैसे ढोला नौटंकी मचा के रखी है। हाँ, कहावत है ना, कहते हैं ढोला नौटंकी लगा के रख दी। तो वो किस तरीके से हम आज कैसियों पे प्ले करके आपको बहुत बारीकी से दोनों हाथों से दिखाएंगे। तो बस वीडियो के साथ पूरा बना रहिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक कर दिया। बहुत सिंपल होते हैं ये चीज़ें, बहुत सिंपल होती है। बहुत तर्जे ढोला की बहुत सारी, जैसे राधे श्याम की बहुत सारी तर्जें होती हैं, उसी प्रकार से ढोला की बहुत सारी तर्जें होती हैं। बट जो है इस वीडियो में आपको हम बहुत बेहतर तरीके से, एक हिट तरीके से आपको जो है हम बहुत आसान तरीके से आपको बजाना सिखाएंगे। तो बस एक निवेदन छोटा सा है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, प्यारा से एक लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट जरूर करके बताना ये वीडियो कैसा लगा, यानी कि लाइक और शेयर और कमेंट, दो तीन चीज़ें बिल्कुल करना ना भूलें और कमेंट जरूर जरूर करें। तो आज ये शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस तरीके से पहला हम सबसे एक जो लाइन सीखेंगे वो देख लीजिए। किम्मती सरस्वती तोए सुमिरे मैया, तोए सुमिरे मैया, तोए सुमिरे, कोई सवा मेरा को मैया माना मारे। कुछ भी आप गाइए, जैसे अरे सिद्ध सिरी रे सब लाई लिखूं, सब लाई लिखूं भैया लाई लिखूं, कोई ले तुम्हारी। कुछ भी गा लीजिए आप इस लाइन पर, ढोला लाइन पर। पहली लाइन ये है तो इसे बहुत सिंपल है, आसानी से आप सीख लीजिए। देखिए यहाँ से हम इसे, यानी कि इस सांस से प्ले कर रहे हैं, ठीक है। देखो मात सरस्वती, मध्यम आवाज में बता रहा हूँ, आप खुलकर गाइए। मात सरस्वती लाज रखो मैया, लाज रखो जननी लाज रखो, कोई राखो सभा में मानो हमारो। ये चीज है लेकिन आपके शायद अभी समझ में नहीं आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से मायने में फिट नहीं बैठी होगी। एक बार देख लीजिए ध्यान से, पहले यहाँ से उठाओगे तो यहाँ से कहोगे सिद्ध श्री, सिद्ध फिर श्री इस पर, ठीक है। सिद्ध श्री सवा लाई लिखूं, सब लाई लिखूं, ठीक है। यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात की गिनती आपको पहले बजानी है। मात सरस्वती लाज रखो मैया, लाज रखो कोई राखो अब ये चीज है, कोई राखो सभा, कोई राखो सभा में मानो हमारे। बजा कर दिखाओ। मात सरस्वती मैया, अरे यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, बाकी तो पूरा सही है। मात सरस्वती लाज रखो मैया, लाज रखो मैया लाज रखो, पहले ऐसे लाज रखो फिर नीचे जाकर। कोई टेरत दास के दास तुम्हारो, दास दास डबल करना पड़ेगा, फिर बजाओ। मैं गा रहा हूं तुम बजाओ, ठीक है। मात सरस्वती लाज रखो मैया, लाज रखो मैया लाज रखो, कोई राखो सभा में मानो हमारे। सही है, फिर भी जो है थोड़ा बहुत दिक्कत है, मतलब थोड़ी बहुत बजाने में हिचकिचाहट हो रही है। एक बार और देख लो, फिर हो जाएगा कंप्लीट। मात सरस्वती लाज रखो मैया, लाज रखो, या बेटा ने लगाई लई राम रटना रे घन श्याम रटना। ये भी ढोला की एक तर्ज है। मात सिद्ध श्री सब लाई लिखूं, सब लाई लिखूं
भैया लाई लिखूं, कोई आयो भूप चंदे ले के। यार मतलब कुछ भी गा, ढोला की लाइन है, आप कुछ भी बना सकते हैं, सुमरनी गा सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ना। अब हम बात करेंगे दूसरी तर्ज की ओर, अपने थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो दूसरी किस तरीके से हम बजा सकते हैं वो भी देख लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से। देखो दूसरी जो हमारी है, जैसे मान लीजिए झड़ की तरह बिल्कुल आती है झड़, और मतलब हाय ढोला ही सब कुछ। देखो ये भी ढोला चलता है। अरे सैया चाहे कैसे आ जाए, और चेहरा को काऊ को पिलाइले। ये चीज है, ठीक है। तो अब इसे हम बहुत बारीकी से सीखेंगे बजाना, है ना। तो देखो अरे सैया चाहे कैसे आजमाइले, ये कहती कयादू रानी हिरण्यकश्यप से, जब वो जहर प्रह्लाद को दे देती हैं, प्रह्लाद नहीं मरता है, तो हिरण्यकश्यप कहता है आप झूठ बोल रही हैं। तब जो है तब वो यही बात कहते हैं, तो वही ढोला में फिट कर दिया। अरे सैया चाहे कैसे आजा माइले, और जा जहरा को काऊ कॉपी लाइले। अब ये चीज बजानी है, हाँ दौरी मालूम है तो गाँव सुनाओ। हाँ मतलब हर कहानी में कहीं ना कहीं ब्रजेश शास्त्री स्वामी जी ने, आधार जी ने, हर सब जितने भी शास्त्री जरूर लेते हैं इस लाइन को। अरे सैया चाहे कैसे आजा माइले, क्लियर। फिर उसी सेम पैटर्न पर और जा जयरा को काऊ कॉपी लाइले। अब फिर आज में ये आपको यही चीज करनी है, अब ये चीज कैसे की है, जैसे ये बटन ये वाली, ठीक है ये सा है ना, तो ये दोनों सा पकड़ लिए, फिर ये रे पकड़ लिया, फिर हमने गा पकड़ लिया, फिर रे पकड़ लिया, फिर सा पकड़ लिया, तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। यानी कि जो बटन इधर दबानी है वही सेम उधर दबानी है, ठीक है, साथ साथ में ही, तो ये आपका ये बजेगा। इसके बाद उठान उठेगी, अरे सैया चाहे कैसे, अब ये चीज मध्य आवाज बता रहा हूं, अरे सैया चाहे कैसे आजा माइले आजा। अब ये चीज देखो, ध्यान से देख लो, अरे सैया चाहे कैसे आजा माइले आजा माइले, और जा जय हे, सारे सारे माँ होगा, और जा जय हे रखो काहू को पी लाई दे। बस यही चीज़ है, ज़्यादा कुछ बजाने को है ही नहीं, आसानी से आप बजा सकते हैं, मानो जिस तरीके से आप आसानी से कैसे भी बज करके आप बजा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और आप बहुत सारी तर्जें और भी, जैसे ये भी और भी बहुत सारी तर्जें होती हैं,
बहुत सारी तर्जें ढोला की होती हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको बहुत सारी जो है ढोला की तर्जें जो है आपको बता देंगे कि किस तरीके से जो है सरवर बाबू जो है ना उनका ढोला किस तरीके से हम बजा सकते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप कमेंट करके हमें इस वीडियो में बताएंगे, और ये वीडियो जो है देहाती जो लोग हमारे होते हैं भैया लोग उनके बहुत समझ में आएगा, ये तो पक्का क्लियर है, उन लोगों के काफ़ी समझ में आएगा, काफ़ी हेल्प उनको लोगों को रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हमारा चैनल इस प्रकार का है कि जो भी आप सीखना चाहो हर टॉपिक के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।